मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कोल माइन में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उसी माइन में काम करता था, वह लोगों की मदद करने के लिए दौड़ता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर यहाँ टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी वाइफ को भी देखते हैं। अगले सीन में हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफोर्ड चैटरली था। वह बहुत अमीर था, साथ ही वह सोल्जर भी था। अब यहाँ बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन डंकन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वह कोनी से प्यार करता था। कोनी और क्लिफोर्ड चैटरली की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वह दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा एक दूसरे को वफादार रहने की कस्में खाते हैं। उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले ही पल क्लिफोर्ड चैटरली को सेना में जाना पड़ता है, जहां वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। आज वह वापस आ रहा था और सभी लोग उसका वेलकम करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। क्लिफोर्ड को जिंदा देखकर कोनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह वापस आता है पर अपने पैरों पर नहीं, उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफोर्ड अब अपंग और नपुंसक बन गया है। अपनी ऐसी हालत के चलते वह लाचार था। वह सबको थैंक यू कहकर चला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोनी भी अंदर से बहुत दुखी थी। इस बात से दुखी होकर क्लिफोर्ड सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिखता है। वह जंग में था और जब वह घर लौटता है तो वह अपनी मंगेतर को किसी गैर मर्द के साथ देखता है और वह उसे बिना मिले ही चला जाता है। वह एक दिन क्लिफोर्ड के पास काम मांगने के लिए आता है, जहां क्लिफोर्ड को पता चलता है कि ओलिवर उसी के अंडर में काम करता था। खदानों में काम करने की वजह से ओलिवर के लंग्स खराब हो गए थे और उसे खांसी की बीमारी थी। क्लिफोर्ड ओलिवर को गेम कीपर का काम देता है, जिसमें उसे बर्ड का ख्याल रखना था। अपाहिज होने के कारण क्लिफोर्ड अपने लिए एक ट्रेडर खरीदता है और एक दिन वह कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता था और बर्ड्स की देखभाल करता था। यहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। वापस आते टाइम कोनी ओलिवर को एक इशारा देती है, लेकिन ओलिवर अपने मालिक और अपनी मालकिन की बहुत इज्जत करता था। एक दिन क्लिफोर्ड को चेयर पर बिठाते टाइम चेयर टूट जाती है, जिससे कोनी की कमर में मोच आ जाती है। इसीलिए उस दिन वो क्लिफोर्ड को नहीं नहला सकती है, तो उसे मिस बेट नहलाती है जो कि क्लिफोर्ड की नर्स थी। वह क्लिफोर्ड को नहलाने लगती हैं और वह क्लिफोर्ड के कान भरने लगती हैं। वो औरत टेडी की विधवा पत्नी थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, पर उसकी बातें कोनी सुन लेती है। वो क्लिफोर्ड से कहती है कि मिस बेट को हमारे पर्सनल मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वह क्लिफोर्ड से कहती है कि क्या तुम अपनी फिजिकल नीड उससे पूरी कर रहे हो। तब क्लिफोर्ड कहते हैं कि मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तभी मिस बेट कोनी को बताती हैं कि ओलिवर अपनी कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात भी नहीं करता, जिस वजह से कोनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन वह कोनी को लेटर लिखकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, तो कोनी फिर से उसके पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि ओलिवर शर्ट उतार के काम कर रहा है, तो कोनी उसके बदन को देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके पास आती हैं। कोनी को आते देख ओलिवर अपनी शर्ट पहन लेता है। वह उसकी बहुत इज्जत करता था। कोनी को यह जगह बेहद पसंद थी, इसीलिए वह ओलिवर से कहती है कि अब मैं हर रोज यहाँ पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। तो ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हो। यहाँ कोनी ओलिवर पर गुस्सा हो जाती है और जाने लगती हैं, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, इसीलिए वह दोनों एक साथ कॉटेज में चले जाते हैं, जहां आग जलाकर दोनों अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। तब ओलिवर वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था, इसलिए वह उससे दूर भाग रहा था। कोनी कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो। ओलिवर कहता है कि मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं बस डर रहा हूँ। अगर इसका पता क्लिफोर्ड को चला तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर कोनी यहाँ से निराश होकर चली जाती है। रात को कोनी अपने पति क्लिफोर्ड के करीब जाती है, पर क्लिफोर्ड कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं।
मैं अब तुम्हें खुश करने में नाकाम हूँ। अगले दिन कोनी क्लिफोर्ड से कहती है कि मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। क्लिफोर्ड कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अपनी बॉडी में करंट लगवाता है ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। वह दर्द से चिल्ला रहा था और कोनी को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। कोनी उसके दर्द को देख रही थी। जब उसे क्लिफोर्ड का दर्द देखा नहीं गया तो वह तुरंत उसे बंद करने को कहती है। जब क्लिफोर्ड इसमें नाकाम रहता है तब वह रोने लगता है। अगले दिन सुबह कोनी जंगल में जाती है और एक जगह पर बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ आती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है। जहां पहुंचकर वो बर्ड के नन्हे बच्चों को देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है जो शायद अब कभी पैदा नहीं होगा। कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है। लाख कोशिश के बाद भी वह खुद को इससे दूर नहीं रख पाया और आखिरकार वो उसके प्यार को कबूल कर लेता है। वह उसे कॉटेज में ले जाता है। यहाँ दोनों जमकर टपाटप करते हैं और शाम को ओलिवर उसे घर छोड़ने जाता है। जाते टाइम कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो किया क्या तुम्हें उस बात का पछतावा है? ओलिवर कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरी जिंदगी हो। इस मुलाकात के बाद मानो दोनों को जीने की वजह मिल गई हो। एक दिन कोनी मिस बेट से पूछती है कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? तब वो बताती है कि एक बम धमाके में। अब रात हो चुकी थी और बादल गरज रहे थे। ओलिवर कोनी की याद में बहुत ड्रिंक करता है तो वहीं दूसरी तरफ कोनी भी नींद से उठ जाती है। वह भी उसकी याद में सो नहीं पा रही थी। तब वह खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वह खुद को रोक नहीं पाती और वह उससे मिलने दौड़ी चली जाती है। उस वक्त मिस बेट उसे देख लेती है तो वहीं ओलिवर भी उसका इंतजार कर रहा था और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन क्लिफोर्ड के घर पार्टी होती है जिसमें डंकन भी आया होता है। क्लिफोर्ड देखता है कि डंकन और कोनी एक साथ डांस कर रहे हैं। अगली सुबह कोनी अपने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है क्योंकि डंकन को ट्रेन पकड़नी थी। तब क्लिफोर्ड कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा बच्चे पैदा करना जरूरी है। कोनी हमेशा से बच्चा चाहती थी और क्लिफोर्ड को लगता है कि इसीलिए वह डंकन के करीब जाती है। इस बात से गुस्सा होकर वह ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वह यह खबर क्लिफोर्ड को देती है तो क्लिफोर्ड बहुत खुश होता है। वह उस आदमी का नाम पूछता है, फिर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफोर्ड जंगल में ओलिवर के पास जाता है। वह कोनी को भी साथ चलने को कहता है। जब वो दोनों जा रहे थे तब ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को किस करने लगता है। तभी क्लिफोर्ड उसे आवाज लगाता है क्योंकि उसकी ट्रेडर कीचड़ में फंस गई थी। ओलिवर आता है और ट्रेडर को धक्का देने लगता है, लेकिन कोनी जानती थी कि ओलिवर के लंग्स खराब हैं, इसीलिए वो क्लिफोर्ड से कहती है कि मैं धक्का लगाती हूँ। तो क्लिफोर्ड कहता है कि तुम्हारी हालत नाजुक है। यह सुनकर ओलिवर को लगता है कि कोनी ने सिर्फ बच्चे के लिए उससे रिलेशन बनाया है। इस बात से ओलिवर गुस्सा होकर ओलिवर क्लिफोर्ड की ट्रेडर को जोर जोर से धक्का देने लगता है। कोनी क्लिफोर्ड से कहती है कि उसे रोको, वो खुद को चोट पहुंचा लेगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। ओलिवर क्लिफोर्ड की ट्रेडर बाहर निकाल देता है और खांसता हुआ अपने कॉटेज चला जाता है। कोनी क्लिफोर्ड से कहती है कि घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। ये कहकर वो ओलिवर के पास चली जाती है जहां वो ओलिवर को बताती है कि वो ये सब बच्चे के लिए नहीं कर रही थी, वह उससे प्यार करती है। ओलिवर गुस्से में उससे कहता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदानों में काम किया है और अपने लंग्स खराब किए हैं और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों की तरह खूबसूरत नहीं है। ओलिवर उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। एक दिन मिस बेट ओलिवर के कॉटेज में जाती है जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है और वो कंफर्म हो जाता है कि कोनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। दूसरी तरफ आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी हो रही थी। तब मिस बेट क्लिफोर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। असल में मिस बेट जानबूझकर ये बात क्लिफोर्ड को बताती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसके ही माइन में काम करते टाइम उसके पति की मौत हुई थी। जब कोनी क्लिफोर्ड से मिलती है तब क्लिफोर्ड कोनी से नाराज हो जाता है। अगले दिन वह ओलिवर के कॉटेज में जाती है जहां वो देखती है कि वहां कोई नहीं है और वो रोने लगती है। तभी वहां ओलिवर आता है और कोनी ओलिवर के गले लग जाती है।
इसके बाद दोनों क्लिफोर्ड के पास जाते हैं, जहां कोनी क्लिफोर्ड से डिवोर्स मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। जब ओलिवर आता है तब दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन एंड में कोनी क्लिफोर्ड को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जाते टाइम क्लिफोर्ड कोनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है और यही पर मूवी का एंड हो जाता है।